Good morning, student. Your history first lesson is about what, where, when, and how. Whatever the event or processes which is already done, because in history we actually read about the past. तो जो भी changes हुए हैं, changes क्या हुए, कहाँ हुए, कब हुए, and कैसे हुए. तो आपका जो first lesson है, that is deal with that changes, that particular changes, और उसके बारे में whatever changes we identify, we are going to study, must have at least 4 answers. What is the change? Where the change happened? When the change happened? And how the change happened? Okay, understand? Next, according to your lesson 1, we have to identify some geographical feature of India, exclusively India. तो हम उसको पहले, उसको क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे और वहां पे क्या चेंजेस हुए उसको हम नोट कर लेंगे. तो इस तरह से हमारा दो काम होगा. हम क्या करेंगे, मैप में उस जगह को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वहां पे जो भी चेंजेस हुए, जो भी चीजें हमको मिली उसको हम नोट कर लेंगे. तो ये इजीली हमको समझ में आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. एज पर द डायरेक्शन जो मैंने आपको समझाया था, दैट इज नॉर्थ. यहां से अगर सेंटर से लोगे तो ऊपर क्या हुआ, नॉर्थ, नीचे साउथ. माय राइट हैंड साइड इज ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट. इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट देयर इज अ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यहां ये हमारा एक अपना देश ही समझो. यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है नेपाल. कौन सी कंट्री है, नेपाल. नेपाल अपने बहुत सारी चीजों के लिए इंडिया पे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में भूल जाओ. नेपाल से अगर तुम क्रॉस करते हो तो यहां पर एक देश हुआ करता था, उसका नाम था तिब्बत. देश हुआ करता था, उसका नाम था तिब्बत. वो देश कब तक था बच्चों, 1950 तक. 1950 में उसके ऊपर एक देश था चाइना, जिसने तिब्बत को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया 1950 में. तो अब हम यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर कौन सा देश है, यहां पर अभी देश है चाइना. ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं, कि यहां पर तिब्बत नाम का देश था जो चाइना ने 1950 में कैप्चर कर लिया. ओके, ये अगर आप बातें याद रख सकते हो इट इज वेरी नाइस, नहीं याद रख सकते कोई दिक्कत नहीं. आपको क्या समझना है, नेपाल, नेपाल के ऊपर चाइना. इफ समबडी आस्क यू विच कंट्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, देयर आर टू कंट्री, नेपाल एंड चाइना. ओके, कश्मीर से एक माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंज का मतलब द कंटिन्यूअस माउंटेनियस रीजन. माउंटेन रेंज का मतलब होता है हिंदी में बच्चों श्रृंखला, श्रृंखला. तो माउंटेन रेंज, यहां से एक माउंटेन रेंज कश्मीर से शुरू होता है और ये श्रृंखला बढ़ते बढ़ते कहां चली जाती है बच्चों, चाइना में. इसको इंडिया में लद्दाख रेंज से जानते हैं, वो आपको नहीं समझना है, बट चाइना में इसको कौन सा रेंज बोलते हैं, कैलाश रेंज. कौन सा रेंज बोलते हैं, कैलाश रेंज. कैलाश रेंज में कौन बैठते हैं, शंकर जी. कैलाश रेंज में कौन बैठते हैं, शंकर जी. कैलाश रेंज के नीचे, कैलाश रेंज के नीचे आपको दो लेक्स मिलेंगे. वन लेक इज हेयर एंड अनदर लेक इज हेयर. देर आर सो मेनी लेक्स बट दीज टू लेक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको इनमें से इन दोनों के नाम जानने हैं. तो यहां से जो पहला लेक है, फॉर्म अगर लेक में देखोगे तो फॉर्म ईस्टर्न साइड, एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड वाला जो लेक है, इस लेक का नाम क्या है, मानसरोवर लेक. आप लोगों में से कोई सुना होगा ना कि लोग यात्रा करने जाते हैं यहीं पे जाते हैं, मानसरोवर लेक. यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट रिवर इज कॉल्ड, दैट रिवर इज कॉल्ड, कोई कमेंट करके बताएगा, दैट रिवर इज कॉल्ड, दैट रिवर इज कॉल्ड इंदस रिवर, दैट रिवर इज कॉल्ड इंदस रिवर. तो ये कौन सी रिवर हमको मिल गई, इंदस रिवर. ओके, कहां से जाती है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होकर के ये कश्मीर जाती है, कुछ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है और फिर कहां चली जाती है, पाकिस्तान में. जिस तरह से इधर चाइना है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सी कंट्री है बच्चों, देयर इज अ कंट्री विच नेम इज पाकिस्तान. यहां पे कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान. ओके, लिसन, चाइना से यह रिवर ओरिजिनेट होती है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में क्रॉस करती है, थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ्लो करती है और उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है. योर फर्स्ट रिवर आपको जिसको आइडेंटिफाई करना है, वो फर्स्ट रिवर इज इंदुज रिवर. कौन सी रिवर है, इंदुज रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इंदुज रिवर, इंदुज रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. नेक्स्ट, यहां देखो,
यहां पर एक बहुत बड़ा माउंटेन श्रृंखला है, दैट इज कॉल्ड हिमालय, आप सभी जानते हैं। यहां से कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एक माउंटेन श्रृंखला जाती है, दैट इज कॉल्ड माउंटेन रेंज, दैट इज कॉल्ड हिमालय, दैट इज कॉल्ड हिमालय। ये कौन सा माउंटेन रेंज में बना रहा हूं? वेरी बिग माउंटेन, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज, दैट इज हिमालय। सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, आप लोग को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। यस, ये क्या है? हाईएस्ट बोल सकते हो, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? हिमालय। हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? हिमालय। तो हिमालय रेंज यहां से निकलती है। ओके, नेक्स्ट देखो, हिमालय रेंज में एक उत्तराखंड के ऊपर एक प्लेस है जिसका नाम है गंगोत्री। जिसका नाम क्या है बच्चों? गंगोत्री। गंगोत्री से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज गंगा, दैट इज गंगा, जो उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के सेंट्रल पार्ट से आकर के ये वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, दैट इज गंगा रिवर। योर सेकेंड रिवर इज गंगा रिवर। कौन रिवर है ये बच्चों? गंगा रिवर, गंगा रिवर। ओके, प्लेस ऑफ ओरिजिनेशन गंगोत्री, जी फॉर गंगा, जी फॉर गंगोत्री, जी फॉर गंगा एंड जी फॉर गंगोत्री। गंगोत्री के ऊपर ही एक प्लेस है जिसका नाम है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री, वाई से कोई रिवर का नाम तुम लोग तो जानते ही होगे। यस, यमुना, तुम सही सोच रहे हो, यमुना रिवर। यमुना क्या करती है? जब एक छोटी रिवर आकर के किसी बड़ी रिवर में मिल जाए, जब एक छोटी रिवर आकर के बड़ी रिवर में मिल जाए, उस छोटी रिवर को हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। 1, 2 रिवर्स आर देयर। ओके, योर फर्स्ट रिवर क्या आइडेंटिफाई करना है? इंदूज रिवर। योर सेकेंड रिवर इज गंगा रिवर। ओके, अब देखना ऐसे कैसे मैजिक होगा अभी। यस, we have to identify one more mountain range in the central part of India, in the central part of India, mostly in Madhya Pradesh, there is a mountain range called Vindhyachal range, called Vindhyachal range, this is called Vindhyachal range, short mein hum isko kya bolte hain? Vindhya range, short mein kya bolte hain? Vindhya range, Vindhya range ke upper, matlab northern part se, aur dekhoge na, विंध्या रेंज के ईस्टर्न पार्ट से वन मोर रेंज इज कॉल्ड, एंड दिस लोकेशन इज कॉल्ड अमरकंटक, दिस लोकेशन इज कॉल्ड अमरकंटक। और यहां से एक रिवर ओरिजिनेट करती है, दैट इज नर्मदा रिवर, दैट इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, यस, थ्री रिवर्स। नंबर वन इंदुज रिवर, नंबर टू गंगा रिवर, नंबर थ्री नर्मदा रिवर। माउंटेन रेंज कैलाश रेंज के नीचे से कौन निकलती है? इंदू रिवर। यहां हिमालय में ग्लेशियर है, ग्लेशियर के बारे में बोधर मत करो, बस एक समझो ग्लेशियर क्या होता है, अभी नहीं समझना है। डेट इज अ प्लेस कॉल्ड गंगोत्री, डेट इज अ प्लेस कॉल्ड गंगोत्री, वहां से कौन निकलती है? गंगा। उसी के बगल में क्या है? यमुनोत्री, वहां से कौन निकलती है? यमुना। और यमुना क्या है? आगे चल के गंगा में मिल जाती है, डेट इज कॉल्ड यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, एनी कंफ्यूजन? थ्री रिवर एंड थ्री माउंटेन रेंज। चलो अब देखो कहानी, आखिर आपके बुक ने इंदुज रिवर के बारे में क्यों बताया? इंदुज रिवर के बारे में क्यों बताया? इट इज आइडेंटिफायर, कि आप समझ सको क्या ये एक ज्योग्राफिकल फीचर है, जिसको आप देख करके ये समझ जाओगे कि यहां पे क्या हुआ था। तो अब आपके टॉपिक का काम अबाउट 4700 ईयर्स एगो 4700 ईयर्स एगो द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज happened to be on the banks of Indus River. Indus River के किनारे पहला शहर बना था, जिसके बारे में आपको आगे वाले लेसन में पढ़ना है। उसका नाम मैं अभी बता दूं, मोहनजोदारो, हरप्पा कल्चर। हरप्पा एक शहर था, हरप्पा क्या था? एक शहर था, गांव नहीं। हम उस शहर को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? अर्बन एरिया। और गांव को क्या बोलते हैं? गांव खेड़े को क्या बोलते हैं? रूरल एरिया। तो ये कौन सा जगह था? अर्बन। इफ अ क्वेश्चन आस्क फर्स्ट urbanization happen on the bank of which river, your simple answer is Indus river. Okay, आपको इसके reference में बस यही याद रखना है, first urbanization गंगा Indus river के किनारे हुआ था। What about गंगा? K
क्या हुआ कि ये जो शहर था अचानक से रातों रात गायब हो गया। अभी तक हिस्टोरियन को भी नहीं पता था कि ये शहर में क्या हुआ था कि लोग भाग गए, या कैसी घटना हुई थी, कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई थी, फ्लड आ गए थे, बहुत लार्ज स्केल पे फायर हो गया था, किसी को कुछ नहीं पता और ये शहर अचानक से गायब हो गया। तो जहां पे भी क्लाइमेटीज आती है सारे लोग तो खत्म नहीं होते, तो कुछ लोग बच गए और वो यहां से किधर चलने लगे, ईस्ट साइड, ईस्टर्न साइड। पहले के पीपल ये सोचते थे कि जहां पे पानी हो ना, फ्रेश वाटर, वहीं पे हम अपना घर बनाएंगे। तो वो लोग जब ईस्टर्न साइड में चले ना, तो उनको एक रिवर मिली, उसका नाम क्या था, गंगा रिवर। उसका नाम क्या था, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर के बैंक पे सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ अबाउट 2500 years ago। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंदू रिवर, सेकेंड अर्बनाइजेशन गंगा रिवर। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंदू रिवर, सेकेंड अर्बनाइजेशन गंगा रिवर। यस, क्या हुआ था, कहां हुआ था, कब हुआ था, समझ रहे हो अपने लेसन को। क्या हुआ था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था। कहां हुआ था, इंदू रिवर के किनारे हुआ था। कब हुआ था, 4700 years ago हुआ था। 4700 years ago हुआ था। सेकेंड अर्बनाइजेशन 2500 years ago हुआ था। यस, देखो द नेम ऑफ योर चैप्टर एंड रीजन। ओके, नेक्स्ट नर्मदा। तो सर नर्मदा के किनारे क्या हुआ था, थर्ड अर्बनाइजेशन, नहीं, अर्ली पीपल्स। यहां पे सबसे पहले कौन रहते थे, अर्ली पीपल्स। अर्ली पीपल ये क्या करते थे, दे आर कॉल्ड एज गेदरर्स। क्या इनको बोलते हैं, गेदरर्स। ये अपना खाना कलेक्ट करते थे। ये इधर इधर का एरिया में अभी भी जाओगे ना, देयर आर सो मेनी नेशनल पार्क, सो मेनी नेशनल पार्क। मैंने बात किया था ना चीता वाला, वो मध्य प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी भी जंगल है, बहुत घने जंगल थे यहाँ पे और अभी भी बहुत घने जंगल है। तो यहाँ पे अर्ली पीपल रहते थे और उनको हम क्या बोलते हैं, गेदरर्स। गेदरर्स मतलब कलेक्टर्स, जो द पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल हु कलेक्ट समथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। इनको फॉरेस्ट का बहुत अच्छा नॉलेज था और ये गेदर करते थे फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, व्हाट एवर एडिबल्स। और ये कभी कभी क्या करते थे बच्चों, हंटिंग करते थे। कभी कभी क्या करते थे, हंटिंग करते थे। तो हमको नर्मदा रिवर के किनारे से क्या मिला है, अर्ली पीपल आर यूज टू लिव ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। इंदूज रिवर फर्स्ट अर्बनाइजेशन, गंगा रिवर सेकेंड अर्बनाइजेशन। सबसे गंगा रिवर में सेकेंड अर्बनाइजेशन द ओल्डेस्ट सिटी इज वाराणसी। आप वाराणसी जाओगे तो आपको पता चलेगा वन ऑफ द सिटी जो उस समय से सर्वाइव करती है, उस समय से सर्वाइव करती है, बनारस। यस, और ये आपकी नर्मदा। ओके, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन। समथिंग मोर अबाउट इंदूज रिवर, समथिंग मोर अबाउट इंदूज रिवर। इंदूज रिवर को हम ओल्डेस्ट बुक में उसका नाम लिखा हुआ है। ओल्डेस्ट बुक इज योर ऋग्वेद, ओल्डेस्ट बुक इज योर ऋग्वेद। इसका नाम हमको कहां मिलता है, यहां पे आपको दिखेगा नहीं। यस, हम आपको नाम कहां मिलता है इंदूज रिवर का, ऋग्वेद में। कहां मिलता है, ऋग्वेद में। ये कब लिखा हुआ था, कम से कम 3500 years ago, द ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमको क्या मिलता है, इंदूज रिवर। इंदूज रिवर का नाम लिखा हुआ है, बट इंदस नहीं लिखा हुआ है, सिंधु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सिंधु। इंदूज इक्वल टू सिंधु, इंदूज इक्वल टू सिंधु। आपके नोट्स में भी है ये, सिर्फ रिफरेंस पर्पस के लिए आप देखिएगा। मैंने ये सारा चीज आपके नोट्स पे, एक रुपया वाले मैप पे भी बनवाए हैं, बट इसको रिफरेंस के लिए देखोगे, जब भी भूलोगे तब एक बार देख लोगे, फिर याद आ जाएगी। यस, तो हम इंदूज रिवर को संस्कृत में, ऋग्वेद में क्या बोलते हैं, सिंधु रिवर। क्या बोलते हैं, सिंधु, इंदू सिंधु। किसी गर्ल्स का नाम है तुम्हारे क्लास में, सिंधु? यस, इंदूज एंड सिंधु। ओके, तो रिवर का काम खत्म। विंध्या रेंज के बगल से कौन जाती है बच्चों, नर्मदा रिवर। कैलाश रेंज के नीचे से कौन निकलती है, इंदस रिवर। और गंगोत्री हिमालयन से कौन आती है, गंगा रिवर। यस, नाउ चलो अब थोड़ा हम लोग पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान, इधर ये जो इंदूज रिवर, इंदस रिवर आती है ना, इसके बगल में दो माउंटेन रेंज है। कौन से माउंटेन रेंज है, दो, एक इस साइड और एक ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा है इस साइड। दे आर कॉल्ड सुलेमान।
एंड इरिथर. यस, पाकिस्तान के दो माउंटेन रेंज सुलेमान रेंज एंड किरथर रेंज. सुलेमान रेंज एंड किरथर रेंज, अगर आप याद कर सकते हो, इनके बीच के जगह का नाम है मेहरगढ़. क्या नाम है? मेहरगढ़. इसके बीच के इस जगह को क्या बोलते हैं? मेहरगढ़. तो हम मेहरगढ़ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? मेहरगढ़ में फर्स्ट एग्रीकल्चर, फर्स्ट एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 8,000 ईयर्स एगो, 8,000 साल पहले पहली खेती कहां की गई थी? सुलेमान और किरथर रेंज के बीच में. सुलेमान और किरथर रेंज के बीच में क्या की गई थी? पहली खेती की गई थी 8,000 साल पहले. तो कम से कम हमारे पास विटनेस है, सबूत है कि इंसान 8,000 साल पहले से खेती करता आ रहा है. और खेती, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर सेटल्ड लाइफ, फॉर सेटल्ड लाइफ. तो ये देखो 8,000 पहले से नहीं है, ये 4,000 है, और ये देखो 2,000 है. लोग खेती करना इधर सीखे और ईस्टवर्ड उनका ट्रेवलिंग हुआ. खैर ये समझो नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं, बस रिमेंबर सुलेमान और किरथर रेंज के बीच में पहली खेती हुई थी. अब पहली खेती हुई थी तो तुम लोग पूछोगे, सर किसकी खेती हुई थी? हमारे पास तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं. आसान है, वीट की हुई थी और एक क्रॉप होता है बार्ले. ये वीट का बड़ा भाई है, बार्ले. वीट गेहूं, बार्ले जौ. आप लोग नहीं पहचानते होगे, ओके मैं फिगर दिखा दूंगा थोड़ी देर में. यस, बार्ले, वीट और बार्ले की खेती हुई थी कहां? सुलेमान और किरथर रेंज में. कंप्लीट हो गया. इफ क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट ऑफ सुलेमान एंड किरथर रेंज, द फर्स्ट एग्रीकल्चर 8,000 ईयर्स एगो, द क्रॉप्स वेयर वीट एंड बार्ली. ओके, फिर आ जाओ विंध्या रेंज में, फॉर्म नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्या रेंज. इसको हम ज्योग्राफी में जानते हो क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन. और यहां से गंगा जाती है ना, तो गंगा प्लेन. क्या बोलते हैं? गंगा प्लेन या फिर नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन में सबसे पहले क्या हुआ था? इसी समय के आसपास देयर इज अ राइस कल्टीवेशन. राइस के लिए बहुत पानी चाहिए, ज्योग्राफी सब बताता है. यहां पे पिरेनियल रिवर है, अभी तुमको नहीं पता है, पिरेनियल रिवर जिसमें हमेशा पानी रहे. और देखो ना, राइस कहां हो रहा है? जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है. तो सिर्फ अब राजस्थान में राइस थोड़ी होगा. कोई अगर ऑप्शन दे कि राइस कहां हुआ था, तो राजस्थान तुम मारते हो तो एक नंबर के गधे हो तुम. क्योंकि राइस के लिए क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ वाटर. और वाटर की अवेलेबिलिटी देखो कहां मिल रही है. नीचे से क्या है? नर्मदा रिवर, ऊपर से गंगा रिवर, गंगा की ट्रिब्यूटरी. देयर आर सो मच ट्रिब्यूटरी. इधर से आपका चंबल जाती है, बाद में पढ़ना है सोन रिवर, ऑल आर पेरेनियल रिवर. और गंगा के चलते ये सारा क्षेत्र में बहुत पानी है. तो यहां पे राइस हुआ, यहां पे पानी कम था तो उन्होंने वीट और बार्ली लगाया. दूसरा राइस कहां हुआ? फिर देखना कोइंसिडेंस होगा, मेघालय. ये जो छोटा सा स्टेट दिख रहा है ना आपको, दैट इज कॉल्ड मेघालय. मेघालय में 3 माउंटेन रेंज है. मेघालय में कितने माउंटेन रेंज है? 3. आसान है, क्या है? गारो, खासी एंड जयंतिया. ऑलवेज रिमेंबर जी के जी, गारो, खासी एंड जयंतिया. गारो, खासी एंड जयंतिया. पहला राइस कल्टीवेशन कहां हुआ था? गारो में. तो राइस के लिए हमको दो जगह मिले. एक मिला मध्य प्रदेश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विंध्या रेंज के नॉर्थ में. यस, गंगा प्लेन में. दूसरा हमको कहां मिला? मेघालय. यू कैन आस्क, सर यहां तो पानी की अवेलेबिलिटी है, मेघालय में कैसे राइस हो गया? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेघालय इज द प्लेस दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है. कभी भी जाओगे तो छाता लेकर के जाना पड़ेगा. देयर इज ऑलवेज रेन, कंटिन्यूअस रेन. तो यहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है. फिर देखो वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर वाला क्रॉप राइस. यस, नॉर्दर्न प्लेन में राइस उगाया गया था. और मेघालय में किस माउंटेन के किनारे या माउंटेन में, जगह का नाम है. यहां पे ट्राइब्स रहते हैं, गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स एंड जयंतिया ट्राइब्स. दैट्स व्हाई उस लोकेशन को नाम को हम क्या जानते हैं? गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स. तो उनके फुट हिल्स में क्या कल्टिवेशन के इसी समय क्या कल्टिवेट किए गए थे? राइस. वॉट एवर यू हैव टू स्टडी इज ऑलमोस्ट डन. आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंदुज रिवर के किनारे, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, फर्स्ट अर्बनाइजेशन. गंगा रिवर के किनारे, सेकंड अर्बनाइजेशन.
Narmada early peoples called as gatherers and sometimes they hunters also. Bindhya range में नर्मदा रिवर के ऊपर क्या हुआ था? राइस. सुलेमान एयर केथर में फर्स्ट एग्रीकल्चर व्हीट एंड बार्ली. नॉर्दर्न प्लेन राइस. मेघालय राइस. मेघालय में तीन माउंटेन, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स. योर होल लेसन इज कंप्लीटेड. ओके, दैट मच इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड. एंड नेक्स्ट, द सोर्सेस ऑफ हिस्टोरियन. द सोर्सेस ऑफ हिस्टोरियन इज इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा. ओके, आप अभी इतना याद करके और देखने के बाद कमेंट करोगे कि कैसा लगा, मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूं. यस, ओके, थैंक यू.